चलो ठीक है, पूरी सपने आए हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस सुबह पूजा हो चुकी है और डॉली ने लगाई हुई मशीन। आज काकू भी स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया, काकू की तबीयत ठीक नहीं है। रात को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उसको, हवाई जहाज आ रहा है ऊपर, आवाज़ आ रही है ना हेलीकॉप्टर की। तो गाइस बस काकू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने भेजा नहीं उसको। थोड़ा सा कोल्ड हो रखा था, हल्का सा फीवर लग रहा था उसको, तो आज काकू गया नहीं है स्कूल। और बस अभी काकू वगैरह को उठाते हैं, देखते हैं उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं या डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मॉर्निंग, क्या हुआ, क्या हो गया? बुखार जुकाम तबीयत ठीक नहीं है। देखो मेडिसिन मैंने ले ली, तेरी ले आया हूँ मेडिसिन लो अब, ठीक है ना। मेडिसिन खा लेना, आराम कर लेना, और स्टीम ले लेना, भाप ले लेना, ठीक है। नाश्ता वास्ता कर लो फटाफट, जल्दी आओ। क्या हो गया इसको? बुखार। मशीनें लगा रखी हैं? हाँ बिल्कुल, मशीन लगा रखी है। अच्छा जी, कपड़े चल भी धुल रहे, काम भी हो रहा है। काकू की तबीयत दिखाइए जरा, आँखें देख कैसे हो रखी है। कोई बात नहीं, बुखार है इसको? नहीं अभी तो नहीं है, मैं दवाई दे रहा हूँ इसको। भाप ले ले सबसे बढ़िया बेटे। अभी तो मेरी रात, आधी रात को भाप दिलवाया तभी सो पाए, सोए पाक का हमारा। रात को 2:30 बजे भाप लिया उठा था, 2:30 से ज्यादा टाइम 3 बज गया था, 2:30 बजे तक ऐसे पड़ा हुआ था, सो रहा था। वो ठंडी चीजें खाओ, तली चीजें खाओ, पता लग जाएगा तुम्हें। मना किया इसको मत, अब तो लाके देना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब आइसक्रीम खाने के लिए मत बोलियो बिल्कुल भी। अरे वो जो कंजे के पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, आप चले जाते चुपचाप साथ के साथ जाके लेके आते हैं। कंजे के कितने सारे पैसे खत्म कर दिए? हाँ नहीं, उसके पहले भी तो गुल्लक तोड़ी थी उसने, अपने पैसे सब जोड़ जोड़ के रखे, खाए थोड़ी ना। मेरे आइसक्रीम मत खाओ इस मौसम में, एक तो ऐसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, रोज बढ़ता जा रहा है। ऐसे सो रहा मैं, मेरी मैम घर में भेज देगी, इसलिए फायदा नहीं है ना किसी और बच्चे को इन्फेक्शन हो। अच्छी तरीके से दवाई देता हूँ, सही हो जाएगा। नाश्ता करके चले जा कमरे में, नाश्ता करके भाप ले ले फटाफट, मेडिसिन ले आओ, मेडिसिन खा लियो रोली, मेडिसिन इसको दे दी, मेडिसिन रखी हुई है इसकी, ठीक है ना। मशीनें लगा ली दोनों। हाँ इसमें घुमा के इसे डाल देती हूँ, निचोड़ती रहती है। चलो नाश्ता बनाओ, मैं जाऊँ। दोनों काम होता रहता है। डमियाँ खोल कर सुबह सुबह बैठ गया था मैं शॉप पे, ये सारी डमियों को कर रहा हूँ असेंबल। एक डम्मी को मैंने कर लिया था, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, इस डम्मी को तो मैंने असेंबल कर लिया है। एक ये डी डम्मी है, अब इस डम्मी को असेंबल एक को कर लिया मैंने, और बाकी दो डम्मियों को और करता हूँ अभी। तो गाइज बस डम्मियों को मैं पूरा सेट कर रहा था, और अभी हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर आए थे, कृष्णापुरी में रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपसे मिलने आता है सब्सक्राइबर, और बहुत दिल खुश होता है। तो वो हमारे ब्लॉग वगैरह देखते हैं और विश भी करके गए हैं, मतलब बेस्ट ऑफ लक भी बोल के गए हैं कि काकू फैमिली ब्लॉग जल्दी से जल्दी ओपन हो। तो थैंक यू सो मच। बस अब मैं डमियाँ लगा रहा था, ये दो डमियाँ मैंने सेट कर दी हैं यहाँ पर, ठीक है। एक डमी येरी बाहर लगी हुई है, अब पाँचों डमियाँ पूरी सेट हो चुकी हैं, इनको मैंने सेट करके रख दिया। मैं आपको फ्रंट करके कैमरा करके दिखाता हूँ, तीनों डमियाँ मैंने खोल के पूरी सेट कर दी हैं, तकरीबन 2 घंटे लग गए हैं मुझे। ये देख लीजिए, तीनों की तीनों डमियाँ मैंने सेट कर दी हैं, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सेट हो चुकी हैं। अब इसको मैं लगाऊंगा बाहर, तो मैं आपको बिल्कुल व्यू दिखाऊंगा बाहर का, बाहर लगने के बाद इसकी डिस्प्ले में कैसे अच्छा लगता है ये, ठीक है। आपने मैंने तो ऐसे फेस वॉश ले रहे हैं, जो पहले मिल्कशेक दिया था ना, वो वाला बाय वन गेट वन, पहले एक के साथ 4 फ्री थी बेटा, एक के साथ 4 फ्री थे। हाँ आप कौन से, आप बटर वगैरह लेने हैं? मुझे कितने का ये वाला है, 40 का, वो वाला 60 तो ले ले फिर, ये ले ले, ले अगर जो पीना है वही लियो, ठीक है। और बटर लेना है? मुझे पड़ा हुआ बटर, आप देखो क्या क्या लेना, और आपका क्या कहते हैं वो यार, प्रीनट बटर, ये वाला लेना काको 60 वाला, एप्पल साइडर वाला, एप्पल साइडर वाला चाहिए। मैं मतलब पूछ रहा हूं, नहीं वन में यही आता है, नहीं इसमें स्मॉल वाला भी आ रहा था ना, स्मॉल सार्थक को मिल गया फेस वॉश, काफी देर से ढूंढ रहा था। और कुछ लेना भाई साहब आपने? हैं बाकी सामान देखिए, कुछ बिस्कुट वगैरह देखते हैं। इतने सारे गिफ्ट आइटम आ रखी है, सतमोला का 1+1 है, 1+1 है सतमोला का, ये रहा, और ये भी 1+1 है, सारे 1+1 की गिफ्ट आइटम सार्थक लगी हुई है दिवाली की गिफ्ट पैक में। ये देख सारे गिफ्ट पैक, ये रसगुल्ले भी 1+1 है, सतमोला के ये सारे। सर ये बिकानो की काजू कतली भी 1+1 है, ये बिकानो की है, ठीक है जी। प्राइस क्या है इसका? प्रमोटर
तो गाइस ये मैं चाय पत्ती लेकर गया था, बहुत बढ़िया चाय पत्ती थी। और मैम बताएगी कौन सी चाय पत्ती, मैम बताएगी इलायची में आएगी और अदरक में, एक मसाला में, अगर प्लेन में चाहिए तो प्लेन में भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं एक बारी, ये इलायची फ्लेवर है, ये अदरक है, ये मसाला, और ये क्लासिक प्लेन में आएगी बिल्कुल। अच्छा, कितने ग्राम की मैम ये? ये 250 ग्राम की, आपको 150 का पड़ेगा। 150 का नहीं, सही रेट तो सही है, 150 इसका एमआरपी है। अच्छा, 135 रुपए का पड़ जाएंगे। अच्छा, तो चाय पत्ती बहुत अच्छी है। तो गाइस किसने भी लेनी होगी, राज मंदिर में है ये चाय पत्ती, बहुत ही रीजनेबल रेट पे है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया। तो प्लीज कम भी यूज होती है ये। हाँ, आप एक बार यूज करके देख लेना, ठीक है मैम? थैंक यू मैम। ये रही काकू की दवाइयाँ, मेडिसिन मैंने मंगवा ली है, डॉक्टर ने लिख कर दी थी, और बस अब चले गया ट्यूशन दवाई खाकर। छत पे डालने का काम नहीं ना मशीन का। ऐसी है मच्छर, हाँ, ऐसी मशीन होनी चाहिए, रोबोट होने चाहिए ना, रोबोट होने चाहिए। हाँ, तो मुझे छत पे भी जाना है, डालना है, उसके बाद कपड़े उतार के लाना, तेल लगाना है, बहुत काम करना है। अच्छा, हाँ, हम सारा साथ तक। आप अभी रात को भी शॉप से आओगे ना, ऐसी रहेगी तो ऐसी पड़ी रहेगी, फिर ओहो मैं तो सुबह से देखा था इसको। सामान लेने गए थे सार्थक का, और वो अपना क्या कहते हैं राज मंदिर से, बस चावल बोले, चावल ही लाया, बाकी अपना सारा सामान लेके आया। इस बस आ गया था डॉली के साथ जाने के लिए, आ गया था घर पे, और ये मैडम जी ये फ़ायदा उठाते हैं और खुद जा नहीं सकते हैं, मेरे को कहते 10 मिनट जाना है भैया। अब 10 मिनट के कितने टाइम लगेंगे देखते हैं क्या का? अभी सार्थक ने 10 मिनट नहीं लगा तो फिर वापस आ जाऊँगी ना। अभी सार्थक भाई साहब अकेले नहीं जा सकते हैं, उन्होंने गए हैं मेरे साथ, गए हैं ये लेना है वो लेना, मैं ले ले। अब आधा घंटा आपके बिना हमने काम चलाना सीखा नहीं है ना, ये हर जगह आपको आधा घंटा आपकी जरूरत है। आधा घंटा सार्थक ने अभी खराब किया है और ये आधा घंटा मैडम खराब करेगी। एक घंटा मैं लंच करने आऊँ तो ये लोग फायदा उठा लेते हैं, 10 मिनट आराम भी नहीं कर सकते। लंच करने घर में बताओ दुकान में। अरे सुबह से डमियों को सेट करने लगा था ना, डमियाँ बड़ी मुश्किल से सेट हुई है। हमारे सब्सक्राइबर भी आए थे कृष्णापुरी से मिलने के लिए, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर थे, मतलब अच्छा खुशी होती है, दिल मतलब खुश होता है कि जैसे हमसे कोई मिलने आता है। वो तो है। हाँ, तो चले जी। आप यहाँ से आए, वहाँ से हो गया जी, वहाँ पे करवा गए ना फिर। अभी अभी गए थे, सामने से ही गए थे। अभी बाय बाय, क्या वो गिरने लगे, चला वो अभी जा रहा है मेरे साथ। जिमर कैसा लग रहा है? और जिमर जा रहा है मेरे साथ भाई साहब स्कूटर का कवर डलवाने के लिए। अब सीट का मैं चले जाऊँगा इसको छोड़ के शॉप पे, या अपनी स्कूटी पे, मैं अपनी स्कूटी पे, ठीक है दोनों जने। और चलो आओ फटाफट साथ आ जा, ठीक है? तू खाना खुना खा ले डॉली। ये पांचों की पांचों डमियाँ मैंने दुकान के बाहर पे लगा दी हैं। अब ये लुक देखो आप, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है, एक बार कमेंट्स करके बताना मुझे आप, ठीक है? कमेंट्स करके ज़रूर बताना गाइस। बड़े ही प्यारे सब्सक्राइबर हमारे पास मिलने आए हैं, बहुत ही दिल से आए हुए हैं, और एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा आया है। क्या नाम है आपका? आहान। आहान नाम है। वीडियो देखते हो आप हमारी? अच्छी लगती है काकू? अच्छा लगता है सार्थक? काकू अच्छे लगते हैं। ये सॉन्ग होते हैं, बहुत अच्छा गाता है। अच्छे सॉन्ग गाते हो आप, इसका ले लेना। अच्छा एक बारी बताओ आप सॉन्ग कोई अच्छा सा, जो बहुत आपको बेस्ट लगे, जो बढ़िया सा सॉन्ग। सिंगर दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल दे। बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा गाया है आपने, ज्यादा लंबा मैं ले नहीं सकता, ये 4 सेकंड का हुआ है, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है ना? तो मैं आप भी देखते हैं ब्लॉग, बहुत अच्छे से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका। एक तो ब्लॉग बहुत ही नेचुरल होता है और पूरी फैमिली ऐसे लगता है यूनाइटेड है, और हर दिन नया नया देखने को मिलता है, और बहुत मतलब ऐसे लगता है कि और भी लोग इनको फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। हम अशोक नगर रहते हैं, वहाँ से यहाँ पे इनकी दुकान तिलक नगर पे आए हैं, इनकी जस्ट नेचर की वजह से, जो इनका और इनकी फैमिली का पूरा, जो डॉली भाभी हैं और साथ में बच्चे, सब लोग आपस में इतना एंजॉय करते हैं, उनको देख के ऐसे लगता है कि हम भी एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आए हुए हैं हमारे छोटे से ब्लॉगर, हमारी छोटी सी बिटिया पूजा, और ये हमारी बहन आई हुई है। बस अब तो फटाफट मैरिज होने वाली है, जल्दी जल्दी, टाइम पता नहीं लगा। कुछ दिन के मेहमान आओगे ना हमारे पास, फिर वो ऐसे जाना जाना। बस हो गए सारी तैयारियां, चल रही है धीरे धीरे। अभी हम हंसते, जब बेटी जाती है एक बार बोलते मर्जी, हम सो रुकते नहीं चाहते। वो तो है, मम्मी रोती रहती थी लड़कियों से तो रौनक है भाई, वो फिर थोड़ा टाइम में लगता है ना, थोड़ा टाइम में फील भी होता है कि यार थोड़ा टाइम तक। मुझे भी लगेगा जी, भी इसको भी थोड़े दिन लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब ये है कि मतलब हमारे घर की रौनक जारी है अपना, किसी और के घर में जा रही हो वहाँ पर भी और खुशियाँ लेकर आएगी। बढ़िया, बिल्कुल सही
सही बात है। तो ये था ना, शुक्र है पास में ही है, बिल्कुल ज्यादा तो हाँ ज्यादा दूर नहीं है। नहीं सही है, पास में सबसे बेस्ट है। अब ये है कि बंदा कभी आता है, चलो घूमने फिरने आ जाता है तो पास में ही है तो सबसे बेस्ट ही रहता है। और सारे लहंगे लूंगी, सब तैयारियां हो गई हैं। नहीं समझ आया। गुरुजी का अच्छा, चलो ठीक है, पूरी सबने आए ना, इनवाइट करने आए हुए हैं जी, हेमा जी और पूजा जी, बिल्कुल बिल्कुल। चाचा नेहरू जिंदाबाद। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, सबको बैलून, सारे बच्चों के हाथ में बैलून पकड़ा देने हैं और गुलाब का फूल। सब जाएंगे, कन्नू वन्नू सब जाएंगे, सबके हाथ में गुलाब का फूल। सबकी कोर्ट में उस दिन गुलाब का फूल तो होगा, हाँ एंट्री उसी से चालू होगी बस। एंड सबसे बढ़िया एंट्री है, थीम यही रख दो, गुलाब का फूल वाली। प्यार की निशानी नहीं, प्यार चाचा नेहरू जी की, चिल्ड्रन डे की। ये बन रहा है डोसे के ऊपर पिज्जा स्टाइल का उत्पम बन रहा है, और सीजनिंग मैंने डाल दिया पिज्जा पास्ता की, चाट मसाला डाल दिया है, ब्लैक पेपर वगैरह डाल के, चिली फ्लेक्स डाल के बढ़िया सा इसका पिज्जा स्टाइल उत्पम बना लेंगे। काकू को भी पसंद है ना तुझे भी? हाँ। काकू को भी पसंद है। ऐसे बढ़िया सा पिज्जा स्टाइल में उत्पम बनकर हमारा हो चुका है तैयार। सार्थों को ऐसा बहुत अच्छा लगता है, का फेवरेट आ चुका है पिज्जा स्टाइल उत्पम। कहगा पापा ऐसे बना के तो मुझे डोसा नहीं खाना, उत्पम स्टाइल में पिज्जा बना के तो सारी सीजनिंग पिज्जा की है। अगले वाले में चीज भी डाल दूँ? चीज भी क्या चीज है, मैंने कहा यार अच्छा लगता है ना ये, बिल्कुल अलग थोड़ा सा डिफरेंट बन गया ना ये वाला। क्या पढ़ाई हो रही है, प्रैक्टिकल है कल? चल ठीक है, खाओ आप खाओ। गाइस डॉली ने मोर्चा संभाल लिया, अब बच्चों ने सबने खा लिया, मेरी बारी है तो डॉली करी मैं आपको बना के देती हूँ। सही बात है, सही सा बना देना भाई, जैसे मैंने बनाया था वैसे बना के देना। नहीं उससे भी बढ़िया ही बना है वो, देखो। अच्छा हाँ, ये देखो दिखाओ जरा। हाँ यार डॉली को भी आता है बनाना। ओहो डॉली ने तो नहीं सीखने आपसे, डॉली को आता ही क्या है भाई, सब कुछ तो आपको ही आता है। वाह सही बात है यार, अच्छे तरीके से बना रही है डॉली, सीख गई है कोचिंग ले लेके। ओ माय गॉड, ओह माय गॉश, सीख गई है खाना बनाना डॉली भाई, आपसे सीख गई हूँ मैं। चलो ये बात है, मुझे आता ही क्या दे दो फटाफट, आप भी आ जाओ। बस बना लूँ, चलो बैठो, चलो थोड़ी सी चाय बनाओ साथ में। अच्छा जी, चाय का जिम्मा हमारा। हाँ काकू को भी पिलाना है, काकू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको पी के थोड़ा रेस्ट करके वो भाप लेना है उसको। हाँ वो तो बहुत ज्यादा मेडिसिन दे दी, बुरा हाल है, जुकाम ना, वायरल फीवर है, पोल्यूशन है, क्या करेगी तो होता है यार। हाँ, मेडिसिन दे दी है, फिर दिक्कत हो जाएगी ना उसको, स्कूल वैसे भी उसकी बेचारे की खराब हो रहा है तबीयत के कारण। चल ठीक है मैं देखता हूँ उसको। हाँ जी ठाकुर क्या हुआ, काम कर रहे, आंखें दिखाइयो, कितनी वो है तेरी आंखें, क्या काम कर रहे हो, होमवर्क, तबीयत ठीक लग रही है, फीवर तो नहीं है, अब भाप लेनी है पापा। तुम ना भाप ले ना, अब मेरे को ना थोड़ी सी चाय बना देना कड़क। ठीक है आपकी मम्मी भी कह रही चाय बनाने के लिए, कड़क वाली चाय बनाते हैं अभी, 10 मिनट में बनाते हैं। बड़ी ऐसी अदरक और वो निकल जाएगी, भाप लेकर निकल जाएगी। तो गाइस मैंने बना दिया है बढ़िया सी चाय, और इंजॉय कर रहे हैं ये मैडम जी बैठ के, और काकू भैया, हमारे काकू भैया, आज काकू भैया की भैया हो गया है। सही है तबीयत, चाय पियो भाई। अभी नहीं है, अभी उसका तबीयत ठीक नहीं। चलो चाय पी लो और ब्लॉग का करते हैं एंड। आंखें देखो कैसे चढ़ी हुई है, बुखार ठीक है। तो गाइस इस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अच्छे कमेंट करें, बिल्कुल अच्छे-अच्छे वाले। आज इसकी आवाज ही निकल, मुझे फ्रंट कैमरे में आना ही पड़ा और काकू का आवाज़ नहीं निकल रही है, और इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलना। और बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।